मऊ में डिंपल यादव ने पीएम मोदी के भोजपुरी अंदाज को अपनाया। उन्हीं के तर्ज पर पूर्वांचल के मऊ जिले के घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता को भोजपुरी अंदाज में भाषण दिया। डिंपल के इस अंदाज को समाजवादी वोटर झूम उठे। बता दें कि लोकसभा चुनाव अब आखिरी और सातवें चरण में पहुंच गया है। 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में घोसी लोकसभा क्षेत्र के दोहरी घाट स्थित विक्ट्री इंटर कॉलेज के मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करके एनडीए पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जनता को गुमराह करने का किया जा रहा है और इंडी गठबंधन की घोषणा पत्र को जनता को बताते हुए अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि प्रणाम घोसी। यहां उपस्थित आप सभी जनता जनार्दन का हम हृदय से कोटि कोटि नमन अभिनंदन करत हई। घोसी के महान धरा को नमक, घोसी की महान धरा को हम नमन करत हई। आज आप सबन का जोश और उत्साह देख के लगत बा कि घोसी का धरती घोषणा की घोसी की धरती घोषणा कई दिलहेबा की 4 जून के ई तानाशाही सरकार जाधबा। आजकल ई डबल इंजन जो है ना, ई डबल इंजन में खूब टकराव बा। क्या बा? टकराव बा। ऐसे बच के रहने के जरूरत बा। ये दोनों मिलके कब एक्सीडेंट कर दिया के जानत बा। सावधान रहने के जरूरत बा। सावधान रहने की जरूरत।